गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है डैफोडिल्स। बहुत ही प्रसिद्ध लिरिक है विलियम वर्ड्सवर्थ का। उन्होंने ये लिखी थी टाउन एंड ग्रासमेयर नामक जगह पे 1804 में, और ये पब्लिश हुई थी 1807 में पब्लिश हुई थी, और ये टाइटल इसको दिया गया था आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। और ये कविता की प्रथम लाइन है आई वांडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। तो सबसे पहले जानते हैं डैफोडिल्स के बारे में। इसका हिंदी अर्थ होता है नरगिस के फूल। अब जान लेते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई थी। तो कोकरमाउथ कम्बरलैंड नामक जगह पर 7 अप्रैल 1770 में उनका जन्म हुआ, और उनका निधन 23 अप्रैल 1850 को रेडल माउंट, जो उनका घर था इंग्लैंड में, वहाँ हुआ। एजुकेशन देखिए, उनकी एजुकेशन कहाँ हुई। एजुकेशन हुई उनकी हार्कशीड ग्रामर स्कूल, सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज, वहाँ उनकी एजुकेशन हुई। शादी देखिए हुई मैरी हचिंसन से। पांच बच्चे थे इनके। अब देखिए, वो शुरू से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन के और टोरीज के एडमायरर रहे, प्रशंसक रहे, लेकिन बाद में उन्होंने ये सारी चीज़ त्याग कर दी थी। और सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस रहा, उन पर प्रभाव रहा, वो उनकी सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ और सैमुअल टेलर कॉलरिज का रहा। और उनके वर्क के बारे में जान लेते हैं। लिरिकल बैलेड्स 1798, ये एक जॉइंट कोलेब्रेशन था एस टी कॉलरेज का और विलियम वर्ड्सवर्थ का। राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, ये एस टी कॉलरेज की, और टिंटन एबी, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की थी। उसके बाद में है द प्रिल्यूड, ये 1805 में, लाइंस कंपोज्ड अबाउट टिंटन एबी एंड लूसी, ऑड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एंड सोनेट्स। ये में वो पोइट लॉरेट बने, और वो जाने जाते हैं लेक स्कूल के लिए जो लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में वहाँ। और उनमें ये नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन कौन उस लेक स्कूल में शामिल था। तो वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, डिक्वेंसी, सदर्न, ये सदे है, SOUTHEY सदे हैं वो, एंड विल्शन इस स्कूल से संबंध रखते थे। अब शुरू करते हैं पोइम। गोबेरो पार्क, ये अपने को ध्यान रखना है, वो जगह है गोबेरो पार्क जहाँ वो अपने सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ घूम रहे थे। और ये पहली लाइन है लोनली एज ए क्लाउड। देखिए, इसमें सिमिले का यूज हुआ है, उपमा अलंकार का यूज हुआ है, और ये कुछ चंद लाइनें हैं जिनमें पर्सोनिफिकेशन हुआ है, मानवीकरण किया गया है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा इस कविता में पर्सोनिफिकेशन किया गया है, मानवीकरण किया गया है। देखिए, जो लाइन्स हैं वो इस प्रकार हैं। व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड, a host of golden daffodils fluttering and dancing in the breeze, tossing their heads in sprightly dance, but they outdid the sparkling waves in glee. ये इन लाइन में पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में है continuous as the stars that shine। अब यहाँ पे सिमिली है, इसमें उपमा अलंकार है। 10,000 saw I at glance, इस लाइन में हाइपरबोल अतिशयोक्ति की गई है, अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में है आई गेज्ड एंड गेज्ड, इसमें रिपीटेशन का यूज़ हुआ है।
एंड डांसेस विद डैफोडिल्स बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज़। आप देखिए डांसेस डैफोडिल्स डी डी यहाँ पे हो गया, और बिसाइड एंड ओ बीनीथ में यहाँ पे एलिट्रेशन अनुप्रास अलंकार का यूज हो गया। इस पूरी लिरिक में जो लाइंस हैं वो है 24 लाइंस हैं। पहली लाइन है आई वॉन्डर्ड लोनली एज ए क्लाउड है, और जो अंतिम पंक्ति वो है एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स के नाम से हैं। यहाँ पे चार स्टेंजा है छः छः लाइन के, और राइमिंग स्कीप हैं वो हैं ए बी सी सी, इसे राइमिंग कपलेट भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड का मतलब क्या है। इसका मतलब है एक दैवीय प्रसन्नता, दैवीय खुशी जिसे व्यक्ति अकेले में महसूस करता है। ये जब वो अपने सिस्टर के साथ गोबेरो पार्क में टहल रहा होता है, घूम रहा होता है, तो वहाँ उस समय वो इस चीज़ को महसूस करता है जो प्रकृति के साथ से होता है। और यहाँ पे उसका मूड कैसा बताया गया है, जो उसकी मन स्थिति है, मन दशा वो कैसी बताई गई, पेंसिव मूड बताया गया है, वैकेंट मूड बताया गया है। और ये काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव पोइम है, क्योंकि बार बार वो अपने ही बारे में बताता रहता है इसलिए। और अंतिम जो है यहाँ से जो मिल्की वे हैं, जो आकाशगंगा होती है उस तरह से, तो वो किसको कहता है, ये डैफोडिल्स को कहता है, नरगिस के फूलों को कहता है, जो वहाँ इस तरह से प्रतीत होते हैं मानो कि वह एक मिल्की वे हो इस तरह से।